हेलो एवरीवन। सो आज मेरा ना डोनट खाने का मन कर रहा था, बट एकदम शॉर्ट में बन जाए वो वाले डोनट खाने का मन कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं ओरियो के डोनट बना लेती हूँ, जिसमें टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है ओरियो बिस्किट, चॉकलेट सिरप और थोड़ा सा मिल्क, बस ये ही लगेगा। और 5 मिनट में, मिनिमम 5-6 मिनट में बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट लिया है, इसे एक पैकेट लिया है मैंने। आपको जितना क्वांटिटी बनाना है उस हिसाब से ले सकते हैं। अब बिस्किट और क्रीम दोनों को मैंने अलग-अलग कर दिया है। यहाँ पर हम क्रीम का अलग यूज़ करेंगे और जो बिस्किट निकल रही है ओरियो के उसका अलग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से सारे बिस्किट्स और क्रीम को अलग-अलग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बिस्किट और क्रीम को, सारे बिस्किट्स और क्रीम को अलग अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बिस्किट निकाली है उसे हम छोटे छोटे टुकड़े कर कर ग्राइंडर में डाल देंगे और इसे इसका अच्छा सा एक पाउडर तैयार कर लेंगे। बिस्किट का और क्रीम का हम अलग यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने इसका एक पाउडर तैयार कर लिया है बिस्किट का, और अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने थोड़ा ज़्यादा मिल्क डाल लिया था, जिस वजह से मेरा जो पेस्ट था वो बहुत पतला हो गया था। तो आप यहाँ पर एकदम कम मिल्क का इस्तेमाल किया करिएगा। और ये हमें एक डो तैयार करना है, पेस्ट नहीं बनना चाहिए, ये डो बनना चाहिए। तो उस हिसाब से आप मिल्क डालिएगा। यहाँ मुझसे बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, ये पेस्ट बन गया था एक्चुअली। तो फिर मैंने इसमें और बिस्किट फिर ऐड की। फिर हम यहाँ पे ओरियो क्रीम में भी थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फेंट लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे डेकोरेशन के लिए। यहाँ पर मैंने डो से अलग अलग दो तीन डोनट बना लिया है और यहाँ पर मैंने जो क्रीम है उसका एक वाइट शेक बना लिया है और एक मिल्क सा शेक बना लिया है, उसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया है। अब जो हमने डोनट बनाया है उसे हम इस सिरप में अच्छे से मिक्स कर देंगे, डाल लेंगे। चूँकि यहाँ मेरे डोनट थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, आप मिल्क थोड़ा कम डालेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से बन जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने सारे डोनट में को मिल्क सिरप में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज होने रख देंगे, चूँकि ये थोड़े सॉफ्ट हुए हैं इस वजह से फ्रिज करना पड़ रहा। आप लोग अगर थोड़ा कम मिल्क यूज़ करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो वाइट मिल्क है, वाइट जो हमने पेस्ट तैयार किया था डेकोरेशन के लिए क्रीम, उसे उससे हम इसे इसमें डेकोरेट कर देंगे। आप इस पे थोड़े से स्प्रिंकल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, डेकोरेशन आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। झटपट डोनट तैयार हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए। जब जल्दी कुछ रेसिपी ट्राई बनाना हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अच्छा लगा है तो ट्राई करिए। एंड थैंक यू।